जी, ये मध्य प्रदेश के बिंदु के जो पारित हुए हैं उसके बारे में बताइए। देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और हमारी वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण जी के नेतृत्व में जो केंद्रीय बजट जो प्रस्तुत हुआ है, उसमें मैं समझती हूँ हमारे किसानों के लिए, गरीब वर्ग के लिए, बहनों के लिए और गरीब वर्ग के बच्चों के लिए, यानी कुल मिलाकर सभी वर्गों को समाहित किया है इस बजट में। और मध्य प्रदेश के लिए लगातार, चाहे सड़कों के मामले में करोड़ों का उसमें बजट है, सड़कों को और लंबा किया जाए और जो सड़कें टूट फूट गई हैं उनके उन्नयनीकरण के लिए भी बजट है। इंदौर के लिए मेट्रो परियोजना के लिए बजट है और हमारे यहाँ सिंध परियोजना चल रही है उसके लिए भी बजट है। और ऐसे गांव जहां नल जल योजना नहीं है वहां तक नल जल योजना पहुँचे जल उसके कार्यक्रम के तहत। और आने वाले समय में बहुत सारे गाँव ऐसे हैं जहाँ विद्युतीकरण ठीक नहीं है तो उसकी सुधारने के लिए भी तमाम सारे, हमारे स्वास्थ्य को लेकर हो, चाहे ग्रामीण सड़कों को लेकर हो, चाहे किसानों से संबंधित हो, इस बजट में किसी भी बिंदु को छोड़ा नहीं गया है। और कुल मिलाकर यह बजट बहुत ही अच्छा है और हम इस बजट के लिए हमारी वित्त मंत्री जी माननीय सीतारमण जी को हम बहुत बहुत हृदय से साधुवाद देते हैं और देश के किसान भी उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। किसानों के लिए क्या उपलब्ध सुविधाएं? देखिए, लगातार आप सब देख रहे हैं किसानों की खेती को लाभ का धंधा कैसे बनाया जाए। लगातार चाहे हमारे मध्य प्रदेश की सरकार हो, चाहे हमारी केंद्र की सरकार हो, आप सब जानते हैं प्रधानमंत्री सम्मान निधि के तहत ऐसा पहली बार हुआ है कि करोड़ों रुपए किसानों के खाते में डायरेक्ट सीधे सीधे पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं जो साल में 6,000 रुपए और नई 1,000 मंडियों का भी प्रावधान है और जो मंडियां खराब स्थिति में उन्हें सुधारने के लिए भी बजट यहां रखा है, तो कहीं मंडियों का काम खत्म नहीं होने वाला बल्कि और मंडियों का काम अच्छा चलने वाला है। और MSP का उसको भी बढ़ाने का काम 1.5 गुना किया गया है। तो कुल मिलाकर किसानों को ध्यान में रख के ये बजट लागू किया है और अन्य वर्ग भी इसमें लिए हैं, हमारे जो दलित भाई हैं, आदिवासी बच्चे हैं, अनुसूचित बस्ते हैं, उनकी छात्रवृत्ति को भी काफ़ी बढ़ाया है और होस्टल व्यवस्थाओं को भी सुधारने का काम किया है। ऐसे तमाम सारे बिंदु हैं जो मैं आप सबको पत्र के माध्यम से अभी उपलब्ध कराता हूँ।